हमने तीन सेक्शन ले लिए हैं एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव के, जिसमें आपने इसके सीक्वेंस के बारे में जनरल फॉर्मूलेज देखे थे। आज हम उन्हीं जनरल फॉर्मूलों को लेके इस सेक्शन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। और अगर आपको हॉट्स क्वेश्चंस और एग्जाम में आने लायक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव के आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, इफ द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31। हमेशा मैथ्स में एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आपको क्वेश्चंस दे रखा है उसको अच्छे से समझें और उसको आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखने की कोशिश करें। जैसे इसने कहा है इफ एट्थ टर्म ऑफ एन एपी, तो मुझे क्या गिवन है, एट्थ टर्म, तो क्वेश्चन में ये एट्थ टर्म, तो ये लिखने का तरीका ए एन, तो एट्थ टर्म है, एट्थ टर्म मेरे पास क्या है 31। अब मैं इस एट्थ टर्म को ए एट का फॉर्मूला लिख के भी कर सकती हूँ। क्या है वो फॉर्मूला, अगर मुझे ए एट निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी एट माइनस वन तो सेवन, डी इक्वल्स टू 31। दिस इज माय इक्वेशन वन, क्लियर है। देखो मैंने अभी तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना मेरे को पढ़ा है उसमें जो समझ में आया उसको मैंने अपने स्टेटमेंट में लिख दिया। फिर ये कह रहा है एंड द 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म। अब ये कह रहा है 15th टर्म, तो 15th टर्म यानी a 15 किसके इक्वल है, इज 16 मोर देन, तो ये 16 मोर देन 11th टर्म, तो ये 11th टर्म से 16 ज्यादा है। अब यहां पे भी हम इन दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं। a 15 को मैं लिख सकती हूं a प्लस 14d, और ये हो जाएगा 16 प्लस a प्लस 10d, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको ap लिखना है, और अगर आप गौर करें इस क्वेश्चन में तो ना तो आपको a दे रखा है और ना ही आपको d दे रखा है। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है तो हम एपी को कैसे लिख सकते हैं, तो पहले हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड करते हैं। तो दो इक्वेशन मेरे पास आई है, फर्स्ट वाली इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, जहां सेकंड इक्वेशन है और यहां दोनों ही यानी ए और डी दोनों ही फाइंड नहीं है। अगर ये कंपैरिजन है तो ए से ए कैंसिल हो सकता है, यानी सेकंड इक्वेशन से मैं डी आसानी से निकाल सकती हूं, तो ये ए से तो ए हो गया कैंसिल, देन 10d इधर आएगा, 14d माइनस 10d इज इक्वल्स टू 16, ये हो गया आपका 4d इज इक्वल्स टू 16, देन d इज इक्वल्स टू, आई थिंक मुझे ये चीजें समझाने की जरूरत नहीं है, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा, तो 16/4 यानी d मेरे पास 4 आ गया। अब तो बहुत आसान हो गया, अब हम इस d की वैल्यू क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन वन, तो हमारे पास a की भी वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे भी रख सकते हैं, ये a प्लस 7d, 7 × 4 इज इक्वल्स टू 31, तो ये हो गया आपका a प्लस 28 इक्वल्स टू 31, देन 28 उधर जाएगा, 31 माइनस 28 कितना आएगा भाई, 31 में से 28 गया तो ठीक है। अब आपके पास ए भी है और डी भी है, अब आप एपी लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 3, देन सेकंड टर्म अब 3 + 4 कितना आएगा 7, नेक्स्ट टर्म 7 + 4 कितना आएगा 11, तो ये आपकी इस तरह से टर्म बनती जाएगी, आपके पास एक एपी आ जाएगी, क्लियर है। जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी, अरे भाई मैथ्स पढ़ने बैठे हो तो कॉपी पेन तो लेके बैठना ही चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, विच टर्म ऑफ एपी 5, 15 and 25, ये एपी है, विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, यानी कौन से टर्म है इसकी जो a 31 से 130 मोर देन है, यानी आपको n फाइंड करना है। तो गिवन क्या है अपने पास, a अपने को मालूम है कितना है 5, d आपको मालूम है कितना है 10,
देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, हमें वो टर्म फाइंड करनी है यानी ए एन फाइंड करनी है विच इज 130 मोर देन 31st टर्म. तो ये ए 31. अब हम 31 की वैल्यू पुट कर देते हैं. ए ये हो जाएगा 130 प्लस ए, मैं इसको लिख सकती हूं 30 इंटू डी, है ना. ए 31 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लिया हमने. और यहां मैं ए एन को क्या लिख सकती हूं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. क्लियर. अब आप देखिए यहां से ए को आपने कर दिया कट, डी आपके पास है 10, यानी ये एन माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 130 प्लस 30 इंटू 10. तो ये हो गया आपका एन माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 130 प्लस 300, कितना हो जाएगा 430. देन एन माइनस 1 इंटू 10, 10 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 43. देन एन इज इक्वल्स टू 1 उधर गया तो 44. यानी जो 44th टर्म होगी वो 31 से कितनी ज्यादा होगी, 130 होगी. इज दिस क्लियर. ओके चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. इफ एन 10th टर्म ऑफ एपी इज 52 एंड द 17th टर्म इज 20 मोर देन 13th टर्म, फाइंड एपी. यानी यहां पे भी अपने को एपी निकालना है, तो उसके लिए आपके पास ए और डी चाहिए. तो जैसा क्वेश्चन में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट मैथ्स की टर्म में लिखेंगे. तो चलिए 10th टर्म ऑफ एपी, तो ये ए 10 कितना है 52. फॉर्मूला अभी बताया था ए 10 का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 9d इक्वल्स टू 52. ये बन गई आपकी इक्वेशन 1. नेक्स्ट में से दिया है एंड 17 टर्म इज 20 मोर देन 13 टर्म, यानी ए 17 इज इक्वल्स टू 20 प्लस ए 30. चलिए वैल्यू पुट, ए प्लस 17d को हम लिख सकते हैं 16d इज इक्वल्स टू 20 प्लस ए प्लस 12d. ए से ए को गया, ये 12d इधर आएगा, 16d माइनस 12d इज इक्वल्स टू 20, ये हो गया आपका 4d इक्वल्स टू 20, यानी d आपके पास आ गया 5. अब आप a निकाल सकते हैं. a के लिए आप क्या करेंगे, d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए. लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. तो यहां हो जाएगा a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 52. तो ये हो गया a प्लस 45 इक्वल 52. देन a इज इक्वल्स टू 52 माइनस 45, यानी a आपके पास आ गया 7 और d आपके पास 5 है. आई होप अब आप ap लिख सकते हैं. a जो होगा वो है आपका 7 और d 5, यानी आपकी ap बनेगी 7, 12. देन आप 5 ऐड करते रहिए, हो जाएगी ap. करें आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए एक और क्वेश्चन इसका. डिटरमाइन द जनरल टर्म, जनरल टर्म यानी आपको n की टर्म में रखना है आंसर, ऑफ एपी हूज 7th टर्म इज माइनस 1 एंड 16th टर्म इज 17. तो यानी 7th टर्म a 7 आपके पास कितना है, a प्लस 7th टर्म. तो मैं सीधा ही फॉर्मूला लिख रही हूं, ये हो गया 6d जो कि किसके इक्वल होगा, a प्लस 6b इज इक्वल्स टू माइनस 1. दिस इज इक्वेशन 1. 16th टर्म a 16 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 15d और जो कि आपको दे रखी है कितनी है 17 है. ये आपकी बन गई इक्वेशन सेकेंड. अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर दोनों को मिला के सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट करें, 1 में से 2 को आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट. तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू माइनस 1
एंड ए प्लस 15d इज इक्वल्स टू 17. अगर हमने सबट्रैक्ट किया तो साइन चेंज, तो ये ए हो गया कैंसिल आउट, तो आपके पास डी आ जाएगा. 15 में से 6 गया 9, माइनस का 9d इज इक्वल्स टू ये माइनस माइनस, ये हो गया माइनस 18, यानी डी आपके पास आ गया 2. अगर डी 2 है तो आप ए निकाल सकते हैं. आप डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो चलो हम ये पुट करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में वी पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो यहां ए रह जाएगा 6d, से डी है अपने पास 2, तो 6 × 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो ये हो गया a प्लस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो a इज इक्वल्स टू माइनस 13, यानी अपने पास ये एक टर्म आ गई माइनस 13. हमें जनरल टर्म निकालनी है, तो जनरल टर्म निकालने के लिए देखो a n अगर मुझे फाइंड करना है, जनरल टर्म मतलब a n के लिए एक फॉर्मूला, इस ap के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आपका a जो आया था वो आया था माइनस 13 प्लस n, हमें नहीं मालूम, हम d की जगह पे क्या लिख सकते हैं, d हमारा क्या है 2, देन हमने किया ओपन माइनस 13 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो गया आपका माइनस का 15 प्लस 2n, या आप लिख सकते हैं इसको ऐसे भी 2n माइनस 15, तो ये इसका क्या हो जाएगा जनरल टर्म. इज दिस क्लियर? तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं. और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं तो कंटिन्यू देखते रहिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए और देखते हैं इसमें किसका. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 8 टाइम इट्स 8th टर्म, शो दैट इट्स 13th टर्म इज 0. तो सबसे पहले हमें ये देखते हैं हमें शो क्या करना है. हमें शो करना है उसकी 13th टर्म 0 है. 13th टर्म का मतलब a13, यानी मैं क्या लिख सकती हूं, a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 0, ये मुझे प्रूफ करना है. अब हमें गिवन क्या है, द 5 टाइम्स द 5th टर्म, तो ये 5th टर्म का ये 5 टाइम्स किसके इक्वल है, 8 टाइम्स इस 8th टर्म, तो ये 8th टाइम ऑफ इस 8th टर्म. फॉर्मूला लगा के ओपन कर देते हैं, देन ये 5, ये हो गया आपका a प्लस 4d. अब बताने की जरूरत नहीं है भाई, फॉर्मूले से आया है ये 8, ये a प्लस ये 8 है तो 7d. ब्रैकेट को ओपन किया, 5a प्लस 5 4 20d, 8a प्लस 56d. अब मैं इन दोनों को इधर सारे टर्म्स या तो एक तरफ ले जाते हैं a a वाले और d d, चलिए हम उस तरफ, ये होगा 8a माइनस 5a प्लस 56d माइनस 20d इज इक्वल्स टू 0. ये हो गया आपका 3a प्लस 56 में माइनस किया हमने, तो ये आया 36 इज इक्वल्स टू 0. हमने 3 को कॉमन लिया, a प्लस 12d इक्वल्स टू 0. अब यहां देखिए ये 3 डिवाइड में जाएगा, तो a 12d, देखिए a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 0, और हमें यही तो प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका हैंड्स प्रूफ. अब इस पे बहुत सारे हॉट्स क्वेश्चंस भी है, जैसे आपको दे दिया जाएगा इट्स nth टर्म इज m एंड mth टर्म इज n, तो p टर्म q टर्म्स, इस तरह के जो हॉट्स क्वेश्चंस है. और इस चैप्टर के और भी बहुत सारी एक्सरसाइज, आरडी शर्मा की भी एक्सरसाइज और आपके एनसीईआरटी की, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा. लेकिन उससे पहले क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और कमेंट करिए. अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज हमें कमेंट करें. नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएंगे, आप चाहे तो व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स. ओके, बाय, हैव अ नाइस डे.